एक लड़का था, ही वाज इन ड्रग्स, अच्छा, ही वाज इन टू गर्लफ्रेंड, ही वाज इल एज वेल बिकॉज ऑफ सच यू नो बैड लाइफस्टाइल, और वो रातों को जागना और वो सारा. जब वो आया है ना दीन पे, आप यकीन जाने हमसे भी आगे निकल गया शेख, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज प्रॉपर, पढ़ ऑल द टाइम इन इस्लामाबाद. हम ऑफिस बाद में आते थे, वो हमारे से पहले ऑफिस में, यानी ही वाज नॉट वर्किंग विद अस, लेकिन ऑफिस में बुक्स खोली हुई हैं, पढ़ रहा है, उलमा के दुरूस में जा रहा है, इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, करते करते सऊदी अरब चला गया, मोबाइल बेच के छोटा मोबाइल ले लिया, मेरे पास आया थोड़ी देर मिलने के लिए, फिर चला गया. उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि भाई डजंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड, व्हाट मैजिक हैपेंड, आखिरत का आखिरत पर पता चल गया, पर दीन वाहिद प्रोडक्टिविटी, या ऐसा शिफ्ट वैसा नहीं कहीं किसी और में. इवन मैं कल मिला अपने शेख से, जो शेख आए हुए थे हमारे पास उधर एकेडमी में, उनका उनकी पूरा खानदान ऐसा है, कहते हैं कि हमारे खानदान में यह है ही नहीं कि फजूल दावतों पे जाना, फजूल शादियों में जाना, फजूल मुलाकातों पे जाना. दे विल स्पेंड टाइम इन वॉकिंग टूवर्ड्स मस्जिद, दे विल स्पेंड टाइम. असल में जब इंसान देखे ना, पता क्या बात सारी है कि अगर इंसान को क्लैरिटी होना कि ये जो मैं टाइम जहाँ गुजार रहा हूँ, यू नो ऑलवेज मुहासबा नफ्स, हासबू अनफुसकुम कबल अन तुहासबू, मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ इज इट प्रोडक्टिव और नॉट, आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम. When you're in salah and you have started salah, अगर आपको जल्दी है ना कि मैं जल्दी खत्म करूँ, मैं कहीं जाऊँ, then this means your priorities are not set in your life. And when you are praying and you have this itminan e qalb ke yaar main ghante bhi laga doon, I am doing the best thing that I can do right and now in this world. This is exactly what I should be doing right now. Right, even though exactly. आपकी deadlines meet हो रही हैं, आपको नहीं, ये वो अलग काम है जो मुझे exactly करना चाहिए इसी time पे. मतलब कायनात में से बेहतर मैं काम नहीं कर सकता था इस time पे. जो magic हुआ वो उसका change of heart हुआ. Change of heart हुआ. अगर हम माशाल्लाह अपना भी देखें तो एक दौर में music इतना attract करता था. दौरे जहालत J days की बात कर रहे हैं. अब कहीं सुन जाए तो तकलीफ देता है. ये माशाल्लाह कैसे, मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार हाउ कम यही सेम गाना मुझे जे डेज में इतना ट्रैक करता था. मैं 10-10 बार सुनता था दिन में, रिपीट पे लगाया होता था. अब तकलीफ दे रहा है. अभी पहले टाइम वेस्टेज का एहसास ही नहीं होता था. अब बैठ के कोई आधा घंटा वेस्ट कहीं हो जाए तो पता नहीं एंग्जाइटी सी उठने लग जाती है. वो फियर आने लग जाता है कि क्या कर दिया, क्या कर दिया, वापस कैसे आएगा, वापस कभी नहीं आएगा. फिर अगर मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी भी कॉमन टीनेजर साथ हो सकता है, बट चेंज ऑफ हार्ट ये अल्लाह की तरफ से है. ये अताई चीज है. अल्लाह वो कॉन्शियसनेस, वो शऊर दे देता है. मेरा तो ख्याल है अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए. टिप्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक वो अल्लाह से भीख नहीं मांगेंगे ना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मेरा जहन खोल दे, मेरा सीना खोल दे, जैसे मूसा इस्लाम ने रब्बी शराह ली सदरी, तब तक मेरा नहीं ख्याल उसको कोई भी टिप्स हेल्प करने वाली.